हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विवेक राज और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के साइंस के क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन से। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें चार सेक्शन, पांच सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी और फिर सेक्शन डी और सबसे लास्ट में है सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 नंबर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो हमारा सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल्स इज। तो एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है कि जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में, वो एक बैक्टीरिया होता है जो कि है राइजोबियम। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन होता है? सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन होता है? लीवर होता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड का आंसर क्या होगा? लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? राइट द टू सोर्सेस ऑफ ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर। तो हम लोग ग्राउंड वाटर को कैसे निकाल सकते हैं? तो एक वेल है जो कि बहुत पहले से, सदियों काल से हम लोग वेल से ग्राउंड वाटर निकालते आ रहे हैं। और दूसरा है ट्यूबवेल। हैंडपंप भी एक सोर्स है जिससे हम ग्राउंड वाटर निकाल सकते हैं। तो ये दो तीन सोर्स है जिससे हम ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज एक्सप्रेस थ्रू इट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी जो बॉडी है उसका हॉटनेस और कोल्डनेस का जो डिग्री है वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो ऑप्शन बी है, आप सबको पता होगा, दैट इज टेम्परेचर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? नेम एन एनिमल विच रिस्पायर थ्रू स्किन। तो वो कौन सा एनिमल है जो कि अपने स्किन से सांस लेता है? तो हमारा आंसर होगा लीच, और दूसरा आंसर हो सकता है अर्थवॉर्म। तो आपको यहाँ एक ही बोला गया है, एक एनिमल का नाम बताइए, तो हम लीच या तो अर्थवॉर्म इसका आंसर दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। लिस्ट टू मेन एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। तो हमको फिजिकल वेदरिंग का एजेंट का नाम बताना है। तो पहला तो है विंड, विंड से फिजिकल वेदरिंग होता है। टेम्परेचर, दूसरा एजेंट है टेम्परेचर। रेनफॉल ये भी है, ठीक है। तो ये एजेंट्स हैं फिजिकल वेदरिंग के। नंबर सेवन, नेम द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट लाइटनिंग इज ए इलेक्ट्रिकल इन नेचर। तो पहला साइंटिस्ट आपका नाम बताना है जो कि प्रूव किया कि लाइटनिंग जो होता है, जो बिजली होती है, जो आसमान में जो बिजली कड़कती है, वो इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है, उसमें चार्ज प्रेजेंट होता है। ये पहली बार किसने बताया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया। नंबर एट, विच स्फेरिकल मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको उस मिरर का नाम बताना है कि जो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो क्वेश्चन एट का जो सही आंसर होगा वो होगा कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर आपको पता है क्या होता है? कन्वेक्स मिरर में पॉलिश किधर होता है? पीछे की तरफ होता है। और शाइनी सरफेस कहाँ होता है? शाइनी सरफेस बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर अपेरेंट इंटरसेक्शन होता है, इसके चलते वर्चुअल इमेज बनता है। और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा वो सीधा होगा और वो डिमिनिश्ड होगा। तो ऑलवेज जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा था दो केस, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो है एसर्शन टाइप क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन होगा, उस चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करके बताना होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर नाइन है का जो एसर्शन है, यानी यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, वन एंड टू। एसर्शन पहला स्टेटमेंट है और रीजन क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट। तो एसर्शन पढ़ते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये बात तो सही है, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलता है।
तो ये क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब हम बात करते हैं रीजन का, एसिड और सावर इन टेस्ट, ये भी सही बात है। एसिड जो होता है वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, ये भी सही है। और ये जो रीजन जो है ये एसर्शन का सही रीजन है, यानी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो पहला स्टेटमेंट का रीजन भी है, इसीलिए हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो इसमें जो आप आंसर दोगे नंबर वन। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, तो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं पहले। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है सॉरी नंबर टेंथ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एसर्सन है, पहला स्टेटमेंट है क्लेई सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्लेई सॉइल क्या करता है हमेशा वाटर को होल्ड करके रखता है, पकड़ के नहीं रखता है। ये बोल रहा है पकड़ के नहीं रखता है, होल्ड करके नहीं रखता है, लेकिन क्लेई सॉइल क्या है, क्लेई सॉइल वाटर को होल्ड करता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अब हम बात कर रहे हैं देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द क्लेई सॉइल पार्टिकल्स, बात सही है, ये बात तो सही है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, तो एसर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऐसा कहा है ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फोर जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए तो हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग मूव करते हैं सेक्शन बी पे। तो हमारा सेक्शन बी थोड़ा अजब कह सकते हैं कि अलग तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया गया है, आपको वो पैसेज पढ़ना है और आपको आंसर करना है। तो पैसेज हम पढ़ते हैं एक बार, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ पर मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट, वन ब्रीथ इज वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, यानी वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वन ब्रीथ कहते हैं, ठीक है, यानी एक बार सांस लेते हैं एक बार सांस छोड़ते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वन ब्रीथ। एन एडल्ट पर्सन ब्रीथ फ्रॉम 14 टू 20 टाइम्स पर मिनट बट विग्रस एक्सरसाइज कैन रेट अप टू 80 ब्रीथ पर मिनट, यानी हम अगर एक्सरसाइज करें तो हमारा ब्रेथ रेट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी लगभग चार गुना टाइम्स हो जाता है। ए चाइल्ड एज ब्रीथिंग एज रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट इज फास्टर देन एन एडल्ट एट रेस्ट, ए न्यू बॉर्न बेबी हैज रेट ऑफ अबाउट 40 ब्रेथ्स पर मिनट, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो बर्थ रेट होता है वो क्या होता है, लगभग नॉर्मल इंसान से वयस्क इंसान से दोगुना होता है, 40 टाइम्स होता है पर मिनट। इन जनरल स्मॉलर एनिमल्स हैव फास्टर ब्रीथिंग रेट्स देन लार्जर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल रेट हैज 60 टाइम्स पर मिनट एंड हॉर्स ब्रेथ 12 टाइम्स पर मिनट। तो कहने का मतलब यह है कि जितना छोटा एनिमल उसका ब्रीथिंग रेट उतना ज़्यादा और जितना बड़ा एनिमल उसका ब्रीथिंग रेट उतना कम। तो आइए चलिए हम लोग अब इसका आंसर करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय ब्रीथिंग रेट, सिंपल साइज का आंसर सबसे पहला लाइन में ही, द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रेथ पर मिनट टर्म्ड एज ए ब्रीथिंग रेट। तो ये आपका आंसर है पहला लाइन ही यहाँ तक, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है, तो ये आपका आंसर है फर्स्ट लाइन, द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ पर मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। तो सेकंड क्वेश्चन 11 का ही क्वेश्चन नंबर बी, विच एनिमल हैज फास्टर ब्रीथिंग रेट, किसका ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है, ज्यादा स्पीड से कौन ब्रीथ करता है, किसका ब्रीथिंग रेट ज्यादा होता है। तो स्मॉलर एनिमल्स का भी हमने जस्ट जाना, यहाँ पर लिखा है कि रेट जो है स्मॉलर एनिमल है उसका ब्रीथिंग रेट 60 टाइम्स है और जो बड़े एनिमल्स है उसका ब्रीथिंग रेट क्या है, कम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन जनरल स्मॉलर एनिमल्स है फास्टर ब्रीथिंग रेट्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, स्मॉलर एनिमल्स, ठीक है, सॉरी इसको इरेज कर रहा हूँ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नंबर 12, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर केमिकल एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होता है, आपको पता है। तो सीधे वैलेंसी को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटरचेंज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, Al2O3, ठीक है। हम माउस का यूज कर रहे हैं इस कारण से थोड़ा हम सही से नहीं लिख पा रहे हैं, इसमें लिखने के लिए पेन टेप का जरूरत पड़ता है, इसीलिए हैंडराइटिंग अच्छा बनता है उससे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जिंक एसिटेट,
तो जिंक एसिटेट, जिंक का वैलेंसी क्या होता है जी? जिंक का वैलेंसी होता है 2 और एसिटेट का वैलेंसी होता है 1। अब इसको भी इंटरचेंज करेंगे, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा इंटरचेंज करेंगे तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? जेडन, जेडन पे तो कुछ नहीं होगा, जेडन को जेडन से लिखते हैं। एसिटेट का थोड़ा फॉर्मूला अलग है, CH3CH, माउस से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इसको हो सकेगा हम इसमें टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, आपको वीडियो में टेक्स्ट हो जाएगा ये। चलते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ZN ब्रैकेट में CH3COO ब्रैकेट क्लोज होल ट्वाइस, तो 2 आया क्योंकि 2 जो आया वो जिंक का वैलेंसी है 2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। स्टेट टू टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंज दैट मे टेक प्लेस व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड। अगर हम कोई सब्सटेंस को हीट करेंगे तो दो फिजिकल चेंज हमें बताने हैं। तो पहला फिजिकल चेंज क्या होगा जी? तो पहला फिजिकल चेंज क्या होगा कि उसका स्टेट चेंज हो सकता है, चेंज इन स्टेट। तो पहला आंसर क्या होगा? चेंज इन स्टेट, आपको स्टेट में चेंज होने को देखने को मिलेगा। और सेकेंड क्या है? उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या उसका थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो पहला हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन स्टेट, वो सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो वो गैस बन जाएगा। और सेकंड क्या होगा इसका आंसर? सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा थर्मल एक्सपेंशन होगा, अगर हम हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड कर सकते हैं, उनके पार्टिकल दूर दूर जाएंगे और उनमें एक्सपेंशन होगा, इस तरह के एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन द टर्म कोहेशन। कोहेशन क्या होता है? कोहेशन एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें क्या होते हैं, सॉइल पार्टिकल एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, द प्रॉपर्टी इन विच सॉइल पार्टिकल गेट स्टिक टुगेदर इज कॉल्ड कोहेशन, या सेम टाइप के पार्टिकल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं कोहेशन। तो अब चलते हैं नंबर 15 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मिनट इसको इरेज कर लूँ पहले। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट टू एडवांटेज ऑफ लाइटनिंग। तो लाइटनिंग का एडवांटेज क्या है? तो लाइटनिंग का जो पहला एडवांटेज है कि ये अर्थ को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, ठीक है ना। लाइटनिंग से क्या होता है कि जो हमारे अर्थ में धीरे धीरे रोज चार्ज स्टोर हो रहा है अर्थिंग के द्वारा, उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? लाइटनिंग करता है। तो पहला तो एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज है कि नाइट्रोजन एटमोसफेयर में, जो नाइट्रोजन है लाइटनिंग से क्या होता है, नाइट्रोजन को वो किसमें कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जब वो नाइट्रेट धरती में आता है, फिर वो धरती में आने के बाद वो नाइट्रेट जो है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, रूट्स के द्वारा। नंबर थर्ड है, ये एक एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, यहाँ तो दो ही बोला गया लेकिन एक एडवांटेज बता देते हैं, तो ओजोन का भी फॉर्मेशन होता है। तो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन के साथ साथ तो ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन भी जब लाइटनिंग होता है तो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है उस जगह पे, और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना लेता है? ओजोन बना लेता है, ठीक है ना। ओजोन कैसे बनता है कि जो O2 मॉलिक्यूल है ना, वो O2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है O में, तो यहाँ पर कितना O बनेगा? 2 O बनेगा, O2 है, 2 ऑक्सीजन का एटम बनेगा, तो यहाँ 2 O बन गया। अब ये एक O क्या करेगा, इस O2 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? O3 बना लेगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है ओजोन के फॉर्मेशन में, ठीक है ना। तो जो अकेला ऑक्सीजन एटम है ना, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बहुत सिंपल सा है कि पहला दो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ में क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है कि नहीं। और दूसरा क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉ है, पहला लॉ है और एक दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड लॉ। अब हम लोग चलते हैं नंबर 17 पे। नंबर 17 क्या है? मेंशन टू एडेप्टिव फ्यूचर ऑफ पेंगुइन दैट हेल्प इन स्विमिंग। तो वो कौन से दो फ्यूचर हैं जिससे पेंगुइन को स्विमिंग करने में, तैरने में मदद मिलता है? सबसे पहला जो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रीमलाइन बॉडी, और दूसरा जो है पैडल फीट, ठीक है, और उसके बोन्स में क्या कह सकते हैं,
एयर स्पेस नहीं होता है, ठीक है, वो सॉलिड होता है पूरा, इसलिए उसे स्विम करने में आसान होता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव हॉलो बोन बर्ड्स की तरह और बाकी बर्ड्स की तरह। नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। तो डिस्कस एनी टू काउजेज दैट लीड्स टू डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। हमें दो रीजन बताना है जिसके चलते जो ग्राउंड वाटर है वो घटते जा रहा है। तो पहला कारण तो है फार्मर के द्वारा इरीगेशन। फार्मर क्या कर रहा है, इरीगेशन करता है, ठीक है, लार्ज स्केल पे इरीगेशन करता है। जब बरसात का जब कमी हो जा रहा है, वर्षा कम होने के कारण क्या करता है, तालाब से पानी सूख जाता है, तो वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर का यूज करता है इरीगेशन में, खेती के लिए। तो इससे तो ग्राउंड वाटर में कमी आ रहा है, क्योंकि खेती में तो दो चार दस लीटर पानी लगता नहीं है, लाखों लीटर हजारों लीटर में पानी देना पड़ता है खेतों में, बड़े बड़े खेतों में। तो इससे ग्राउंड वाटर में कमी आ रहा है। और सेकेंड जो है कारण है ओवर पॉपुलेशन। हमारा कंट्री का जो पॉपुलेशन आप जान रहे हैं डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहा है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को वाटर का डिमांड फुलफिल करने के लिए हमें बहुत से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है, ठीक है। आजकल हर घर में बोरिंग है, बोरिंग होने से क्या हो रहा है कि हर घर से ज़्यादा वाटर का यूज किया जा रहा है। बहुत लोग वाटर को मिसयूज भी कर रहे हैं, और वो वाटर कहाँ चला जा रहा है, स्वेज में चला जा रहा है, नाली में चला जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर ग्राउंड वाटर का लेवल घटते जा रहा है। तो हमारा दो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी बचा हुआ है। सेक्शन बी में दो क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखें तो केस बेस्ड स्टडी। तो यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। यानी सेम टाइप है, पैसेज टाइप ही है। एमोबा इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल पॉन्ड्स एंड लेक्स। इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। इट कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड मूव्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया ऑल्सो हेल्प्स इन कैप्चरिंग फूड। तो ये तो आपका पैसेज था, अब हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सीधे दिया हुआ है आपको आंसर एमोबा। एमोबा एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। तो इसका आंसर क्या होगा, अमीबा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया अमीबा, ठीक है। चलिए दूसरा, आपको अगर अमीबा पता नहीं था तो कोई दूसरा भी दे सकते थे, लेकिन आंसर इसका अमीबा ही होगा। व्हाट इज द प्रे फॉर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रे का मतलब होता है शिकार, यानी अमीबा का जो शिकार क्या है। व्हाट इज द प्रे फॉर यूनिसेलुलर माइक्रोनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया जा रहा है, अमीबा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो उसका प्रे यानी शिकार क्या है, वो क्या खाता पीता है। तो वो जनरली जो पॉन्ड्स में बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, या जो डेड पार्टिकल्स होता है उसको खाता है, ठीक है ना। तो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खाता है, बैक्टीरिया को खाता है अमीबा, ठीक है, यानी स्मॉल फूड पार्टिकल्स को खाता है। आप या तो इसका आंसर बैक्टीरिया दीजिए, या तो आप दे सकते हैं स्मॉल फूड पार्टिकल्स दीजिए, ठीक है। नंबर 20 पे हम आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नंबर 20 है, हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरियम एंड लिगुमिनस प्लांट हेल्प्स ईच अदर इन देयर सर्वाइवल। तो देखिए जी, ये दोनों में एक सिम्बायोटिक रिलेशन हम कह सकते हैं, कारण है कि दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, दे बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। राइजोबियम बैक्टीरियम क्या करता है, इसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है किसमें, अमोनिया में, और अमोनिया प्लांट एब्जॉर्ब करता है लिगुमिनस प्लांट का रूट, और फिर ये जो लिगुमिनस प्लांट है वो क्या करता है, इस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता है, न्यूट्रिशन देता है। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है, ठीक है, या दोनों एक दूसरे का मदद करता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिशन देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दे हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल। और इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। तो हमारा जो सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई इट इज सेड दैट चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। तो चार्ज हमेशा पेयर में ही होता है, ऐसा क्यों कहा गया है। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, या अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट होगा। अगर हम सिल्क रॉड को, सॉरी, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो क्या होगा, जो ग्लास रॉड पे वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और सिल्क पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो जितना अमाउंट पॉजिटिव का है उतना अमाउंट नेगेटिव का भी होगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए।
इसका आंसर सिंपली क्या हम दे सकते हैं, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नंबर 22, नंबर 22 क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द टू एक्टिविटीज दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीवेज। तो सीवेज का फॉर्मेशन का क्या कारण है, तो हमारा जो सीवेज का जो फॉर्मेशन का कारण है वो होगा, पहला थ्रोइंग फूड आइटम्स इनटू द ड्रेन। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ड्रेन में फूड आइटम्स को फेंक देते हैं, बचा उचा खाना जो है वो फेंक देते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स फेंक देते हैं, ठीक है। और सेकंड कारण क्या है, थ्रोइंग प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक बैग्स जो कैरी बैग होता है हम उसको फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, सीवेज का फॉर्मेशन होता है। चलिए नंबर 23 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड। तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, तो इसका आंसर है डेंटिस्ट जो होता है वो कॉनकेव मिरर का यूज करता है, ठीक है ना, क्योंकि उसे बड़ा इमेज देखना होता है। जैसे वो दांत के पास ले जाता है मिरर, तो दांत पे जैसे सटाता है तो उसके जो मिरर होता है उसमें बड़ा इमेज दिखता है उसको, ठीक है ना, तो इसलिए उसमें कॉनकेव, क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के जस्ट सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वर्चुअल एंड लार्ज साइज का इमेज बनता है, और वो लार्ज साइज का इमेज डेंटिस्ट को देखने में मदद करता है, दांत के बारे में जानने में मदद करता है। सेकंड है रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। तो जो व्हीकल में जो मिरर होता है रियर व्यू मिरर, वो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, आपको वर्चुअल इमेज देता है और छोटा इमेज देता है, तो लार्ज व्यू देता है, ठीक है। या तो एक ऑप्शन है इसका देखिए, और आप अगर ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में आप डिफरेंस बताइए, तो आपको पता होगा कि रियल इमेज कैसे बनता है, रियल इमेज इज फाउंड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन, और वर्चुअल इमेज इज फाउंड बाय अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज। दूसरा है कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। हमने दोनों पॉइंट्स बता दिए। नंबर 24, राइट द मीनिंग ऑफ टर्म अर्थिंग। तो अर्थिंग सिंपली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो बहुत सिंपल सा था, अर्थ में जो हम लोग चार्ज भेजते हैं इसी को तो अर्थिंग करते हैं ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और साल्ट और वाटर बनता है, इसलिए ये केमिकल चेंज है, यस इट इज अ केमिकल चेंज, बिकॉज इन दिस रिएक्शन न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म, दैट इज साल्ट एंड वाटर। एसिड बेस के रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दैट इज साल्ट एंड वाटर, इसलिए हम कह सकते हैं ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है। नंबर 26, इफ यू च्यू राइस ब्रेड फॉर फ्यू मिनट इट स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट्स। तो ये ब्रेड और राइस को तो अगर हम थोड़ी देर चबाते हैं वो मीठा लगता है, क्यों, कारण है कि ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, और जैसे ही हमारे सलाइवा के कॉन्टैक्ट में होता है तो वो डाइजेशन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है या जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन होता है और वो शुगर में टूटने लगता है, और शुगर में या ग्लूकोज में टूटने लगता है, और जो कि आपको मीठा सा लगता है खाने के बाद, ठीक है, तो टूटने के बाद वो क्या बन जाता है, शुगर यानी ग्लूकोज बन जाता है, इसलिए वो मीठा होता है, इसलिए आपको मीठा मीठा फील होने लगता है खाने के बाद। अब चलिए नंबर 27 पे, तो हमारा जो 27 है हमारा जो 27 है राइट सॉरी नंबर 27 है वाई, हाँ, वाई इज हीट जनरेटेड व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स टू आवर फास्ट मूविंग कार। तब जब आप कार में, जब चलती गाड़ी में या कार में, मूविंग फास्ट कार में आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हीट क्यों जनरेट होता है, कारण है ड्यू टू फ्रिक्शन। हमारे कार और जो ब्रेक में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पर जो मोशन है, कार तो हमेशा मोशन रहता है और हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रेक से, तो ब्रेक से जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही क्या होता है, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फ्रिक्शन से ऑलवेज हमेशा हीट प्रोड्यूस होता है।
इसका आंसर होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। नंबर 28 डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो ये बहुत सिंपल सा है। तो वेदर और क्लाइमेट में वेदर क्या है, इट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड क्लाइमेट इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेम द मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, तो इसमें दो क्वेश्चन थे, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, और दो क्लाइमेटिक जोन बताना है आपको इंडिया का, सॉरी मेजर क्लाइमेटिक जोन्स। तो चार क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, एक होता है एल्पाइन जोन्स जो कि बहुत ठंडा होता है, दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल जोन्स, तीसरा होता है ट्रॉपिकल जोन्स, और चौथा होता है एरिड जोन जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। ये चार क्लाइमेटिक जोन्स हैं इंडिया के। तो हम लोग क्वेश्चन सॉरी हम लोग सेक्शन सी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग आगे मूव करेंगे सेक्शन डी की ओर। तो अब हम लोग सेक्शन डी पे पहुंच गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो यहाँ पर एक आपको रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें इमेज कहाँ रखा है, इमेज आपको रखा गया है, सॉरी डायग्राम थोड़ा सा हम अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, एक कॉनकेव मिरर, तो ये फोकस होगा और ये क्या होगा सेंटर होगा, और इमेज को कहाँ रख रहे हैं आप, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ आप रख रहे हैं, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, तो आप इमेज को यहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं सॉरी, तो ये सेंटर है आपका और ये आपका फोकस है, ठीक है। तो अगर एक लाइन पैरेलल जाएगा तो सीधे फोकस से कट करेगा, और दूसरा लाइन अगर रे फोकस से पार होगा तो सीधे कहाँ कट करेगा, तो जो हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा सेंटर के पीछे बनेगा, और वो बड़ा इमेज होगा, इनलार्ज्ड होगा, बियॉन्ड सेंटर होगा, इन्वर्टेड होगा, तो ये हमारा इमेज का नेचर होगा। आप इसे एक बार खुद बुक से देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो सेंटर के पीछे बनेगा इमेज और वो उल्टा बनेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 पहले हम इरेज कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30, ड्रॉ द टाइप ऑफ क्रॉप दैट मे बी ग्रोन इन ए पर्टिकुलर फील्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, की एग्जाम्पल्स इन द सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो द टाइप ऑफ क्रॉप दैट मे बी ग्रोन इन पर्टिकुलर फील्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, ये बात सही है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल में पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है ना। तो मेनली आपका कौन कौन सा सॉइल है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। तो सैंडी सॉइल जो पहला टाइप है उसमें कोकोनट ग्रो अच्छा से होता है, सेकेंड होता है क्लेई सॉइल, जिसके लिए अगर हम बात करें तो क्लेई सॉइल के लिए बेस्ट क्रॉप है आपका पैडी यानी राइस, और नंबर थर्ड जो है वो है लोमी सॉइल, लोमी सॉइल्स के लिए हम ग्राम्स पल्सेस, ठीक है, ये बेस्ट होता है, ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए बेस्ट होता है लोमी सॉइल, ठीक है, वीट वीट के लिए भी लोमी सॉइल बेस्ट होता है। तो ये हमारा 30 था, अब हम लोग चलेंगे 31 पे। तो गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेड मैटर, तो जो डेड मैटर पे फीड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम लोग सेप्रोट्रॉप्स, क्या कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और सेप्रोट्रॉप्स के अगर एग्जाम्पल दे तो फंगी, तो फंगी हमारा एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसा होगा सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है, अगर कोई फंगी भी लिख देगा तो आंसर सही होगा। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइज फूडिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं न्यूट्रिशन, क्या कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सेकंड का ऑप्शन आंसर बी का क्या होगा न्यूट्रिशन होगा, और नंबर सी ए प्लांट पैरासाइट, तो आपको एक प्लांट पैरासाइट का नाम बताना है, तो इसका आंसर होगा सिंपली अमरबेल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैस्कुटा। तो इसका जो आंसर क्या होगा, अमरबेल भी लिख सकते हो या इसको इंग्लिश में आप कैस्कुटा भी कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 32 आंसर द क्वेश्चंस। तो अब हम लोग सेक्शन ई पे पहुंच चुके हैं, सेक्शन डी कंप्लीट हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर 32, डिफाइन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ द सेम। चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमको यहाँ डिफाइन करना है, द रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस ए रिएक्टेंट इज ब्रोकन इनटू, इस तरह से नहीं हम लोग कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है या डिसोसिएट होता है और
एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है, हमें क्या मिलता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है या दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट मिलता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वाटर का अगर हम डिसोसिएशन करवाएंगे तो क्या होगा, वाटर का अगर हम डिसोसिएशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, डिसोसिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा डिसोसिएशन का एग्जाम्पल है। तो ये डिसोसिएशन है, और भी एग्जाम्पल है, डिसोसिएशन भी तीन तरह के होते हैं। एक डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा टाइप होता है डिकम्पोजिशन का हीट के प्रेजेंस में, तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और तीसरा टाइप का जो डिकम्पोजिशन होता है लाइट के प्रेजेंस में, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन होता है वो लाइट के प्रेजेंस में होता है, सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमिन अलग हो जाता है। तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ठीक है, तो ये ए नंबर हम कंप्लीट कर लिए, डिकम्पोजिशन क्या है, एग्जाम्पल भी हम लोग लिख दिए। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सी ए कैल्शियम हो गया और एक ओ बड़ा सा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को हम लोग लाइम भी कहते हैं या क्विक लाइम भी कहिए, हिंदी में इसे ही हम लोग चूना कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पर कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर NO3 आयन कितना परसेंट है, एक, और यहाँ पर NO3 आयन कितना परसेंट है, दो। इसको दो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, Ag के आगे हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AgNO3 हो जाएगा। तो NO3 यहाँ दो हो गया, यहाँ भी NO3 दो हो गया, कॉपर एक है, कॉपर एक है, ठीक है, लेकिन यहाँ सिल्वर दो हो गया, तो अब यहाँ पर सिल्वर के आगे भी हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में हमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेबल एनी सिक्स पार्ट। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है। ठीक है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि लोग, कई बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं, तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो इसका हम फिगर आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, नंबर 34 चलते हैं, नंबर 34 पे, इन व्हाट वे डज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। तो सिंपल सा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 to 42 डिग्री तक ही रेंज होता है, और लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में -10 डिग्री से 110 डिग्री यानी 110 डिग्री तक रेंज होता है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर हम कह सकते हैं कि ये डॉक्टर के लिए यूज किया जाता है या बॉडी टेम्परेचर के लिए मेजर किया जाता है, और ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से हम एनवायरमेंट का या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं ऑर्डिनरी थर्मोमीटर को। नंबर बी व्हाई इज न्यू क्विल्ट वार्मर देन ओल्ड वन। तो क्विल्ट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्विल्ट मतलब होता है रजाई, तो जो नया रजाई होता है वो ज्यादा गर्मी देता है देन एज कम्पेयर टू ओल्ड वन। तो अगर जो रजाई 10 साल 12 साल पुराना हो जाए तो वो गर्मी कम देता है। तो रजाई में जो गर्मी लगता है वो रुई के कारण लगता है, क्योंकि जब नई रजाई होती है तो उसमें रुई क्या होता है, बहुत ज्यादा फुला हुआ रहता है और उसमें ज्यादा एयर ट्रैप होता है, और आपको पता है एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो यानी एयर जो होता है वो इंसुलेटर होता है या बैड कंडक्टर होता है एयर का, वो हीट को पास होने नहीं देता है। ठीक है, तो वो लेकिन जब पुराना हो जाता है आपका रजाई तो उससे रुई दब जाता है और एयर का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, तो नए रजाई में एयर का अमाउंट ज्यादा होता है रुई के अंदर, इसके कारण से क्या होगा, जो नई वाली रजाई होती है वो ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि एयर क्या करता है, आप जो स्वेटर भी पहनते हैं तो क्या करता है, एयर हीट को आपके बॉडी से लॉस होने नहीं देता है, एनवायरमेंट में जाने नहीं देता है। नंबर सी पे अब आते हैं, व्हाई द फ्रीजर कंपार्टमेंट इन ए रेफ्रिजरेटर इज यूजुअली पुट नियर इट्स टॉप। तो आप लोग देखेंगे फ्रिज के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में रेफ्रिजरेटर लगा होता है, जहां पे बर्फ जमता है वो सबसे ज्यादा ठंडा होता है वो रीजन। तो ऊपर में क्यों लगाया जाता है, नीचे क्यों लगाया जाता है,
ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट। आप कन्वेक्शन करेंट के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको पता होगा कि जो गर्म हवा होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, गर्म हवा कहाँ जाता है ऊपर की तरफ, और ठंडा हवा कहाँ जाता है नीचे की तरफ जाता है, ठंडा हवा नीचे की तरफ जाता है। क्योंकि ठंडा हवा भारी होता है, जैसे ही रेफ्रिजरेटर में फ्रिज ऊपर लगा हुआ होता है तो क्या होता है कि ठंडा हवा जो होगा वो पहले क्या होगा नीचे जाएगा, और नीचे का जो गर्म हवा होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कन्वेक्शन करंट सेटअप हो रहा है, तो इस कारण से जो फ्रीजर है उसको ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि गर्म हवा जो है वो अपने आप ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद वो ठंडा होकर के भारी होकर के नीचे चला जाए। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस हमेशा चलते रहता है और पूरा फ्रिज का जो बॉडी है वो अंदर की तरफ ठंडा रहता है। तो ये था क्वेश्चन 34 जो कि लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।